Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast fatal. Hey, what's up everybody? Welcome to our new video. तो कैसे हैं आप लोग? तो यार अभी हम लोग उतरे हैं हमारे मिलिट्री बेस पर, और मिलिट्री बेस में हम लोग यहाँ पर उतरे हैं टावर के पास। टावर अक्सर जाना चाहता है एक अच्छे लूट के लिए, पर यार इस बार हमको मिला है लूट के नाम पर एकदम से जीरो। इसके वजह से हम लोग ने तैयार किया कि हम लोग चाहते हैं यहाँ पर सामने वाली बिल्डिंग की और कुछ अच्छी खासी लूट ले लेते हैं। तो हम लोगों ने सब पहले क्लियर की सभी बिल्डिंग्स की टेरिस, क्योंकि टेरिस में अक्सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लूट हो जाती है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने सबसे पहले सभी बिल्डिंग्स की टेरिस में लूट कर दी। और अब सभी टेरिस को क्लियर करने के बाद अब बारी थी बिल्डिंग्स की। तो अब हम लोगों ने तीनों के तीनों बिल्डिंग्स में भी लूट कर दी थी। तो यार अब हम लोगों ने सब कुछ क्लियर कर लिया था, तीनों की तीनों बिल्डिंग्स और तीनों की तीनों बिल्डिंग्स की टेरिस में हम लोगों ने लूट कर दी थी। और हमारे पास अब अच्छी खासी लूट भी थी, सभी स्कोप्स भी थे और गन भी अच्छी खासी थी। तो अब हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ एनिमीज को मारा जाए, और इसके वजह से हम लोगों ने एनिमीज को ढूंढना शुरू कर दिया। पर यार इस बार मिनट में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं उतरे थे, इसकी वजह से हमें कोई भी किल नहीं मिला। और यहाँ पर आप प्लेयर्स की तो बात छोड़ो, इधर तो कोई बॉट भी नहीं हमें देखने को मिला। पर अभी भी हम लोगों ने हार नहीं मानी थी और हम प्लेयर्स की सोच में थे, पर हमें यहाँ पर कोई भी प्लेयर्स नहीं मिला। और बाद में हमें इधर प्लेयर्स नहीं मिले, इसकी वजह से अब हम लोगों ने सोचा कि अब हमें जाना चाहिए पोचिंग की ओर। तो अब हम लोग पहुंच चुके थे पोचिंग, और अब बारी थी पोचिंग की में एनिमीज को मारने की। तो मुझे इधर एक एनिमीज की फुटस्टेप के बाद सुनाई दी थी। तो ऐसे मुझे मेरी पहली किल मिल चुकी थी। तो अब बारी थी उस बंदे की टीममेट को मारने की। तो उस बंदे की टीममेट वाले हमसे बदला लेने के लिए आ रहे थे। पहले तो उस स्क्वाड ने हमें कुछ ग्रेनेड से मारने की कोशिश की, पर यार उन लोगों की कोशिश यहाँ पर नाकामयाब रही। और बाद में उस स्क्वाड का पहला बंदा इधर ऊपर आया और उसको हम मार दिया, और बाद में बारी बारी पीछे और दो बंदे आए और उसको भी हमने मार डाला। तो इस तरह हमने पूरी की पूरी स्क्वाड को मार डाला। अब हमारे पास पूरा का पूरा लूट का खजाना था, और अब बारी थी उस लूट को लूटने की। लूट के बाद अब बारी थी एनिमीज को ढूंढने की। तो हम लोग यहाँ पर एनिमीज को ढूंढने चल निकले। हमको यहाँ पर एक दो एनिमीज दिखे, पर वो हमारे टारगेट से मिस हो चुके थे। तो बाद में पोचिंग भी क्लियर हो चुका था। तो यहाँ पर नया जोन बन चुका था, और अब बारी थी जोन में जाने की। तो अब हम लोग यहाँ पर जा रहे थे नए जोन में। तो हम लोग जैसे नए जोन में जा रहे थे, वैसे ही बीच में रास्ते पे दो स्क्वाड ने हम पर हमला बोल दिया। हम लोग जैसे कैसे उस स्क्वाड से बच चुके थे,
हम लोग थोड़ा सा आगे गए और उधर हमने गाड़ी को रोक डाला और बाद में हम लोगों ने तैयार किया कि हम उस पर स्नाइपरिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास एटेक्स था और साथ ही में अच्छी खासी स्नाइपर्स भी थी। तो स्नाइपरिंग में हमने 2-3 बंदों को गोली लगाई पर यार वो लोग बाद में भाग निकले थे। स्नाइपरिंग के बाद अब हमारे पास आ रहा था ब्लू जोन, तो इसकी वजह से अब हम लोगों को जाना था जोन के बीचों बीच। तो हम लोग जोन में जा रहे थे और बीच में हमें 2-3 एनिमीज भी देखने को मिले पर इस बार भी वो लोग हमारे टारगेट से मिस हो चुके थे। तो जोन पे 2-3 छोटे मकान थे तो हम लोगों ने तैयार किया कि हम वो मकान पे कैंपिंग करेंगे। बाद में हम लोगों ने इधर से देखा कि यहाँ पर सामने 2 माल का बला वाला मकान है तो अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उधर जाएंगे। तो मकान पे हम लोग जा रहे थे मकान के पास तो बीच में मैंने देखा कि यहाँ पर 2-3 एनिमीज है। तो उस एनिमीज को देखने के बाद हम लोगों ने तैयार किया कि अब हम लोग उस मकान पे नहीं जाएंगे पर यहाँ पर पास में कोई अच्छा सा कवर ढूंढेंगे और उस एनिमीज को मार डालेंगे पर उस एनिमीज को मारने का मौका हमको नहीं मिला और अब हमें जाना था जोन में। इसकी वजह से हम लोग जा रहे जोन में। तो जैसे हम लोग जोन में जा रहे थे तो इधर बीच में रास्ते पे हम लोगों को कुछ एनिमीज दिख गए। तो इस तरीके से हमने एक एनिमी को तो हमारे कार से कुचल डाला। और दूसरे एनिमी को मैंने इस तरीके से कार में से मार डाला। तो मैं जैसे ही अदर कार में से उतरा था वैसे ही दूसरी स्क्वाड ने मेरे पर हमला बोल डाला और मैं हो चुका था नॉकआउट। इस बार तो मैं बार बार बच चुका था। बाद में मुझे जिसने नॉकआउट किया था मैं उसको ढूंढने जा रहा था और मेरे पर फिर से फायरिंग होने लगी थी। तो मैं जैसे सामने हो रही फायरिंग से बच रहा था तो मेरे को पीछे से किसी ने डीपी की गोली से मेरे को नॉकआउट कर दिया। तो अब मेरे पर दोनों ओर से गोलियां चल रही थी और मेरा हो चुका था सैंडविच। तो इस तरीके से मेरा तो गेम बच चुका था। तो मेरे टीममेट ने अब अपनी आईक्यू पावर जगा डाली थी और उसने स्मोक से पूरा का पूरा अपना कवर बना डाला। तो वो कैसे भी करके इस माया जाल से बच चुके थे और वो सैंडविच होने से बच चुका था। और उसने अब सोचा कि वो इन बंदों पर फ्रैंक करेगा और वो फेंक करने के लिए वो आगे जा रहे थे तो बीच में उन पर फिर से किसी ने गोली चला दी और अब वो बच चुका था सांप का बच्चा। तो वो अब सांप बन के धीरे धीरे जोन में जा रहे थे। तो वो सांप बन के जैसे ही जोन में जा रहा था तो उनके सामने डायरेक्ट से एक बंदा आ चुका था और इस तरीके से उस बंदे का गेम बजा डाला। तो अब यहाँ पर मेरे टीममेट ने एक काफ़ी अच्छी बुद्धि चलाई और अपना आईक्यू पावर इधर दिखाया और उसने यहाँ पर जाली में ही सांप बन के रहने का फैसला किया। तो इधर सामने से एक बंदा दौड़ा आ रहा था और उसका भी गेम इसने इस तरीके से बजा डाला। अब माहौल एकदम से गर्म बन चुका है क्योंकि अब यहाँ पर सोलो ऑफिस सोलो का गेम हो चुका है। तो इधर मेरे टीममेट ने इधर जाली में सांप बनकर रहने का ही इधर सोच डाला। तो अब यहाँ पर देरी थी सिर्फ एक एनिमी को ढूंढने की तो इसके वजह से चारों ओर यहाँ पर मेरा टीममेट जाली में से छुपकर इधर सांप बनकर उस एनिमी को ढूंढ रहा था और डायरेक्ट से यहाँ पर उस एनिमी की फुटस्टेप सुनाई दी। तो इधर वो एनिमी दिख गया था और इसकी वजह से मेरे टीममेट ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी
और यहाँ पर मेरे टीममेट ने उस बंदे का भी गेम बचा डाला और इस तरीके से हमने इस मैच को आसानी के साथ जीत लिया।